हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक बैंक पीओ की लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ। एक बैंक पीओ की लाइफ कैसी होती है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है, कितना तक उनको सैलरी मिल जाता है, उनकी जॉब क्या होती है यानी क्या क्या काम उन्हें करने पड़ते हैं और उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सारी बातें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं दैट बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर इन ए पीएसबी एंड आई हैव जॉइंड द बैंक एज ए प्रोफेशनरी ऑफिसर इन द ईयर 2013। पीएसबी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक्स होती है, जिन्हें नेशनलाइज बैंक्स भी कहा जाता है और आसान भाषा में जिन्हें लोग गवर्नमेंट बैंक कहते हैं। बैंक जिस दिन ज्वाइन किया उसी दिन से इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई 12 दिन के लिए, जिसमें बैंकिंग के बेसिक्स सिखाए गए और ट्रेनिंग के लास्ट डे में ही पोस्टिंग अनाउंस कर दी गई। कौन से सर्कल में हमें ज्वाइन करना है बताया गया और इमिडिएटली जाके रिपोर्ट करने को कहा गया। सो हमने अपने रेस्पेक्टिव सर्कल ऑफिसर्स में जाके रिपोर्ट किया, जहाँ हमें ब्रांच ऑफ पोस्टिंग बताई गई और जाके वहाँ ज्वाइन करने को कहा गया। सो मैंने इमिडिएटली नेक्स्ट डे जाके ब्रांच ज्वाइन कर लिया और एक दो दिन वहाँ होटल में रुककर रूम रेंट के लिए भी ढूंढा और जब रूम रेंट के लिए मिल गई तो होटल छोड़कर रूम में शिफ्ट हो गई। बैंक ज्वाइन करने के बाद जितना खर्चा हुआ, लाइक ट्रेनिंग की जगह से प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक जाने का खर्चा, होटल में रुकने का खर्चा, सारा कुछ बैंक रीइंबर्स करती है TA बिल सबमिट करने पर अलॉन्ग विथ हॉल्टिंग अलाउंस। अभी देखते हैं ब्रांच ज्वाइन करने के बाद क्या होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग के समय ही या फिर ब्रांच ज्वाइन करते ही आपको स्टाफ ID या फिर एम्प्लॉय ID मिल जाती है, जो कि होल बैंकिंग लाइफ में आपके साथ रहने वाली है और यही आपकी पहचान होती है बैंक में। बैंक ज्वाइन करते ही पहले काम इतना समझ नहीं आता, बट आपके सीनियर कोलीग्स वो आपको समझाएंगे कि काम कैसे करना है और धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। सीनियर कोलीग्स के साथ साथ दूसरे कोलीग्स भी आपको हेल्प करेंगे काम सीखने में। पहले तो आपको क्लरिकल कैडर का काम भी करना पड़ेगा एंड इट इज़ बेटर टू लर्न देयर जॉब ऑल्सो। आप चाहे तो सीनियर क्लरिकल स्टाफ से भी उनका काम सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब काम आप अपने सीनियर ऑफिसर या मैनेजर से ही सीखें। मैंने भी कुछ काम क्लरिकल स्टाफ से भी सीखा था। एक पीओ को या ऑफिसर को क्लरिकल स्टाफ जो काम करते हैं उन्हें ऑथराइज करना होता है और उनके एब्सेंस में कभी कभी उनका काम भी करना पड़ सकता है। सो उनका काम सीख ले तो अच्छा है। इट्स बेटर टू टेक एकोमोडेशन और रेंट योर रूम नियर द ऑफिस और ब्रांच ऑफ पोस्टिंग। इसलिए तो बैंक एक पीओ को हाउस रेंट भी प्रोवाइड करती है, ताकि वो अच्छे से और आराम से ब्रांच के पास रहकर ऑफिस कर सके। बैंक एक पीओ या ऑफिसर को 6000 से 13000 तक हाउस रेंट देती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ योर पोस्टिंग, और मेट्रोस में इससे भी ज़्यादा देती है। और डेली ट्रैवलिंग के लिए भी बैंक ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। एट द टाइम ऑफ प्रोविजन किसी बैंक में बैंक पीओ को एक फिक्स्ड कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है ट्रैवलिंग के लिए, और किसी बैंक में मंथली फ्यूल अलाउंस प्रोवाइड की जाती है बैंक पीओ को अप टू 30-40 लीटर्स तक। बीइंग अ बैंक पीओ, डेली यू हैव टू रीच द ब्रांच और ऑफिस बाय 9:30 AM टू 9:45 AM, ताकि आप सेटल हो जाए और 10 AM तक अपना काम शुरू कर सके। जब हम एज अ बैंक पीओ ज्वाइन करते हैं तो हम शुरू में कुछ गलतियाँ करते हैं, बट धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि काम कैसे सही से करनी है। 10 AM से 10:30 AM तक कस्टमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड आई वॉज पोस्टेड इन ए वेरी लार्ज ब्रांच, सो यहाँ कस्टमर्स भी ज़्यादा थे और काम का प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा था। बट एक बार आप काम करना सीख जाते हो तो काम करने में आपको मज़ा आने लगता है। लार्ज ब्रांच, वेरी लार्ज ब्रांच और अर्बन ब्रांचेस में कस्टमर्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं और वर्क प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू स्मॉल ब्रांच या फिर रूरल ब्रांचेस में, जहाँ पे कस्टमर्स थोड़ा कम होते हैं और जिसके वजह से वर्क प्रेशर भी थोड़ा कम होता है वहाँ। 10 AM से 2 PM तक कस्टमर्स का रश रहता है
एंड 2 PM से 2:30 PM तक लंच का टाइम होता है। लंच के बाद फिर से कस्टमर्स को डील करना होता है, किसी ब्रांच में 3:30 PM तक और किसी ब्रांच में 4 PM तक, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस आवर्स ऑफ द ब्रांच। बिजनेस आवर्स के बाद बैंक बंद नहीं हो जाती, जो भी पेंडिंग काम होता है वो सारा आपको अभी पूरा करना होता है बिजनेस आवर्स के बाद। कुछ एडवांसेस या लोन के कस्टमर्स भी इस टाइम में आते हैं, तो उन्हें भी डील करना होता है इसी टाइम। सो फ्रेंड्स, एक बैंक पीओ या ऑफिसर के लाइफ को देखें तो उन्हें सुबह जल्दी उठ जाना होता है और घर का जो भी हाउस होल्ड है उन्हें पूरा करके तैयार होकर ऑफिस 9:30 AM या 9:45 AM तक पहुंच जाना होता है। बैंक के एक बिजनेस आवर्स में कस्टमर्स को डील करना होता है, उन्हें अच्छा कस्टमर सर्विस देना होता है और बिजनेस आवर्स के बाद जो भी पेंडिंग काम है उन्हें पूरा करके ही घर जाना होता है। एक बैंक पीओ का 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है, उस समय उसे क्लरिकल जॉब भी दिया जा सकता है या असिस्टेंट का जॉब भी दिया जा सकता है या फिर ब्रांच इंचार्ज का काम भी करना पड़ सकता है। 10 AM से 5 PM तक आपको मल्टीपल टास्क करने होते हैं। बैंक में जितने भी टाइप के काम होते हैं वो सारे करने पड़ सकते हैं आपको, लाइक अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट क्लोजिंग, इशूइंग डेबिट कार्ड्स, इशूइंग चेक बुक्स, कैश मैनेजमेंट, ATM मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग, लॉकर मैनेजमेंट, डेट क्लेम सेटलमेंट, ऑल्सो मैनेजिंग क्लरिकल वर्क्स एंड मैनी अदर वर्क्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ बैंक पीओ। एज पर द लेटेस्ट सेटलमेंट, एक बैंक पीओ को ज्वाइनिंग के टाइम में बेसिक पे मिलेगी 36,000 और DA 23.8% ऑफ बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस 16.4% ऑफ बेसिक पे, DA ऑन स्पेशल अलाउंस 23.8% ऑफ स्पेशल अलाउंस, हाउस रेंट जो कि होगी 7% या 8% और 9% ऑफ द बेसिक पे, 600 rupees का लर्निंग अलाउंस एंड DA ऑन लर्निंग अलाउंस, देन CCA इफ द एम्प्लॉई इज पोस्टेड ऑन ए CCA एरिया एंड अगर नॉन CCA एरिया में है तो लोकेशन अलाउंस मिलेगी। एवरी ईयर बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगेगी और वो बढ़ती रहेगी और उसी के बेसिस में बाकी सारे अलाउंसेस भी बढ़ते रहेंगे, यानी कि सैलरी बढ़ती रहेगी। जस्ट हैव अ लुक गाइस, एक बैंक पीओ को ज्वाइनिंग के टाइम में कितनी ग्रॉस सैलरी मिलती है। इट्स अराउंड 60,000 rupees। एक बैंक पीओ को आज के दिन में ज्वाइनिंग के टाइम 60,000 rupees ग्रॉस सैलरी मिलती है। एंड द अदर बेनिफिट्स जो एक पीओ को मिलती है वो है फ्यूल अलाउंस और पेट्रोल कॉस्ट ऑफ 30 to 40 liters पर मंथ, क्लीनिंग अलाउंस, लंच अलाउंस, मोबाइल और टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट, न्यूज़पेपर अलाउंस, मेडिकल एड, बेनिफिट्स अंडर न्यू पेंशन स्कीम एट्सेट्रा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कॉन्सेशन मिलेगी फॉर हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन पर। 1% एक्स्ट्रा मिलेगी डिपॉजिट्स पर, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगी JIB और CIB क्लियर करने पर, LFC फैसिलिटी मिलेगी एम्प्लॉय को और उनके डिपेंडेंट को, और मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी भी मिलेगी एम्प्लॉय के लिए और उनके डिपेंडेंट के लिए। चलिए अब एक बैंक पीओ के करियर ग्रोथ ऑप्शंस को देख लेते हैं। आजकल बैंकिंग सेक्टर में प्रमोशंस बहुत फास्ट हो गए हैं। बैंक पीओ 2 साल में कन्फर्म्ड ऑफिसर बन जाता है और हर 3 साल में वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर एक बैंक पीओ टाइमली प्रमोशन लेते रहे तो वो 12 साल में AGM लेवल तक पहुंच सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द हायरार्की ऑफ प्रमोशन ऑफ ए बैंक पीओ। वी कैन से दैट एक बैंक पीओ की जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जॉब होती है, जिसमें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, वर्किंग आवर्स 10 to 5 होती है विच मे एक्सीड ड्यू टू पेंडिंग वर्क। इसमें एक हैंडसम सैलरी मिलती है और प्रमोशंस CMD तक हो सकती है और ये सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करती है और ये एक ट्रांसफरेबल जॉब है, तो इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कभी कभी या फिर ज़्यादातर ही घर से दूर पोस्टिंग हो सकती है, बट यू गेट द अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। ये जॉब आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी और वर्क प्रेशर कभी हाई हो सकते कभी लो हो सकती है,
और काम करने के लिए आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगी। और इस जॉब की वजह से आपके हाई प्रोफाइल पर्सन्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं। एवरी सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे एंड एवरी संडे इज़ अ हॉलीडे, और बैंक की अपनी हॉलीडे होम भी होती है, यानी जगह जगह पे होटल्स के साथ टाई अप है बैंक के। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो बैंक के हॉलीडे होम में एकदम मिनिमम रेट में रुक सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, बहुत सारे और भी पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं बैंक से। अगर आप बैंक में रहकर किसी और जॉब के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एस्पायरेंट्स कैन गेट टाइम टू स्टडी और प्रिपेयर फॉर अदर जॉब्स ऑल्सो, लाइक SSC, UPSC, RBI एक्सेट्रा। अगर आप किसी स्मॉल ब्रांच या रूरल ब्रांच में पोस्टेड है, देन यू कैन डेफिनेटली गेट टाइम टू प्रिपेयर। इफ़ यू आर पोस्टेड इन ए वेरी लार्ज ब्रांच और इन एन अर्बन ब्रांच, देन देयर माइट बी ए कंस्ट्रेंट ड्यू टू वर्क प्रेशर एंड यू मे हैव टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन द ब्रांच। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, देन यू कैन एनी हाउ मैनेज टू प्रिपेयर एंड अचीव योर गोल। टू से दैट देयर इज नो टाइम टू प्रिपेयर, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस वीडियो। अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।